IRCTC में वैसे भी देखिए ज़्यादातर जगहों पर छुट्टियों का सीज़न भी ये चल रहा है, जून का महीना होता है, लोग ट्रैवल भी खूब करते हैं, तो एक ये रीज़न भी हो गया। आप ज़रा इसको टेक्निकली चेक करके बताइए IRCTC कहाँ तक जाने के लिए तैयार है ये? पोटेंशियली और शॉर्ट टर्म में देखने जाए तो बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न तो आज बन रही है, जिसको हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और स्टॉक प्राइस में यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी किफायती बैठेंगे, 1033 के लेवल के यहाँ पे चल रहे हैं, और पिछले 3 से 4 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली 1010 के यहाँ पे अपने लो बना रहा है। तो ये काफी एक बेहतरीन स्टॉप लॉस हो सकता है बाय करने के लिए। और ऊपर में अगर मैं देखने जाता हूँ तो वेरी शॉर्ट टर्म में उसके टारगेट मुझे 1075 के दिखते हैं, जो पहले के रिवर्सल्स पॉइंट्स हुआ करते थे, काइंड ऑफ गैप डाउन एरिया में वहां पे पियर्स करके नीचे में रिएक्ट किया था। तो 1032 पे बाय करना चाहिए, 1010 के स्टॉप लॉस में साथ इमीडिएट स्टॉप लॉस 1075, और 1075 के ऊपर भी 1125 के अपसाइड पोटेंशियल उसकी खुल सकती है।